नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम उसका जो थर्ड पार्ट है, जो बचा हुआ हिस्सा है सुपरलेटिव डिग्री का, वो देखने वाले है, ताकि आज के लेक्चर में हमारा डिग्री का लेसन पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है वो हमने देखे, वो हमें देखना ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि सुपरलेटिव डिग्री एक्चुअली जाने कैसे जाती है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो या फिर आपको बात करना हो, तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको क्या बातें बोलनी चाहिए, मतलब किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है, आपको द ईएसटी या फिर द मोस्ट आना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको सेंटेंस में क्या फाइंड आउट करना है, द ईएसटी या फिर द मोस्ट। अब ये जो बीच में स्पेस छोड़ा है, इसके अंदर कोई भी एडजेक्टिव आता है, जैसे अगर वो मान लीजिए क्लीन अगर मैं लेता हूं, ओके, तो हो जाएगा क्लीनेस, या फिर नियर है तो नियरेस्ट, उस तरह से द मोस्ट है तो उसके बीच में भी हमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके हम यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री पहचानना आपको आना चाहिए, वो आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। तो उसका एक जो टाइप है वो ये कि आपको सेंटेंस में ये फाइंड आउट करना होगा कि द ईएसटी या फिर द मोस्ट है क्या। उसके बाद में आपको दूसरा जो टाइप्स है जिसमें हम देखते हैं कि सुपर डिग्री कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए आपको सेंटेंस में देखना है वन ऑफ द ईएसटी या फिर वन ऑफ द मोस्ट। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द ईएसटी या फिर वन ऑफ द मोस्ट, ये आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आपको लगेगा कि चलो इस सेंटेंस में वन ऑफ द ईएसटी ये पार्ट आ गया है, तो वो सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री का। ओके, अभी उसको आपको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में और कंपेरेटिव में। देखिए, जो एसएससी के स्टूडेंट्स है, ओके, उनको एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि आपको सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। साथ में ही आप ये भी ध्यान दें कि वो आपको क्या एक ही टाइप में चेंज करना है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव में करना है कि सुपरलेटिव का कंपेरेटिव में करना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर सुपरलेटिव का क्वेश्चन आता है तो आपको पॉजिटिव एज वेल एज आपको कंपेरेटिव में भी चेंजेस करना होगा, मतलब एक ही समय आपको दोनों में चेंज करना है, इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। और जो बाकी लोग हैं वो समझ लीजिए कि आपको ये कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। देखिए, अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूं, तो सबसे पहले बात मेरे दिमाग में आती है कि मुझे पॉजिटिव मतलब क्या, कि मुझे अपने आंसर में एज का इस्तेमाल करना है। किस चीज का? एज का। तो सबसे पहले देखिए, अगर सेंटेंस में द ईएसटी या फिर द मोस्ट ये आता है, ओके, क्या द ईएसटी या फिर द मोस्ट, तो मुझे सबसे पहले शुरुआत करनी है नो अदर से। नो अदर से मुझे शुरुआत करनी है आंसर की, किसकी? पॉजिटिव लिखने के लिए, पॉजिटिव में आंसर कन्वर्ट करने के लिए मुझे नो अदर से शुरुआत करनी होगी। उसके बाद में अगर वन ऑफ द ईएसटी या फिर वन ऑफ द मोस्ट आता है सेंटेंस में, क्या आता है, वन ऑफ द ईएसटी या फिर वन ऑफ द मोस्ट, तो मुझे क्या करना है, आंसर की शुरुआत वेरी फ्यू से करनी है। किससे? वेरी फ्यू से। ध्यान दो दोस्तों, ज्यादा जरूरी है आपको यह समझना कि वेरी फ्यू से शुरुआत करनी है, नो अदर से शुरुआत करनी है, तो क्या आना चाहिए। इन दोनों का मैंने यहां पे डिस्टिंग्विश कर दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको कि अगर आप वेरी फ्यू से शुरुआत करते हो, तो सेंटेंस में अगर एम और इज आता है तो उसका आर हो जाएगा, और अगर सेंटेंस में वॉज आता है तो उसका वेयर हो जाएगा। ये किस लिए? क्योंकि हमें ये देखना है कि जब आप शुरुआत करोगे वेरी फ्यू से, ऑब्वियसली आप पीछे का हिस्सा पहले लोगे लिखने के लिए। बताऊंगा आपको मैं कैसे सॉल्व करना है, टेंशन मत लीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एम इज का आर और वॉज का वेयर करना है। अब ये नोट डाउन कर लो तो आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, इससे ज्यादा हमें एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि हाउ टू सॉल्व डिग्री, दैट इज सेंटेंस ऑफ सुपर डिग्री इंटू पॉजिटिव डिग्री। यहां पर मैंने सुपर डिग्री का एक सेंटेंस लिखा है, शी इज द मोस्ट पावरफुल गर्ल इन द क्लास।
शी इज द मोस्ट पावरफुल गर्ल इन द क्लास। अभी इस सेंटेंस में आपको कैसे मालूम हुआ कि ये सुपरलेटिव डिग्री का है? ये देखिए द मोस्ट आगे है, ओके? तो मोस्ट के आगे जो पार्ट है ये हमें एज एज के भीतर लिखना है। दैट मीन्स वी हैव टू राइट पावरफुल इन बिटवीन एज एज। तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको पॉजिटिव में करना है तो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस सेंटेंस इन टू पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, सबसे पहले क्या है सेंटेंस में? द मोस्ट है। हमने यहां पे दो डिस्टिंग्विश किया था, क्या किया था? अगर सेंटेंस में द मोस्ट या फिर द ईएसटी आता है तो हमें नो अदर से शुरुआत करनी होगी। सो हियर वी विल स्टार्ट विथ नो अदर। तो यहां पे मैंने नो अदर से शुरुआत कर दी। क्या आया? नो अदर। उसके बाद में क्या करूंगा? द मोस्ट के आगे का जो पार्ट है, जो एज एज के आएगा, उसके आगे का जो भी हिस्सा है मैं लिख दूंगा। देखिए मैंने यहां पे इसको बॉक्स किया है। उसके आगे क्या है? गर्ल इन द क्लास। क्या है दोस्तों? गर्ल इन द क्लास, नो अदर। तो उसके आगे मैं लिखूंगा गर्ल इन द क्लास। अभी मुझे इसके बाद यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यहां पे? इज। तो मैं इज को लिख दूंगा। देखो क्या हो गया, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज। अब मुझे क्या करना है? ये हिस्सा एज एज के भीतर लिखना है। एज पावरफुल एज, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई इट एज पावरफुल एज। तो क्या हो गया? देखिए नो अदर गर्ल इन द क्लास कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम हो गया होगा। मैंने द मोस्ट देखा, उसके बाद देखा अरे द मोस्ट है तो मुझे नो अदर शुरुआत करनी है, नो अदर लिख दिया। फिर द मोस्ट के आगे पूरा हिस्सा नहीं लिखना है। जी हाँ, पूरा हिस्सा नहीं लिखना है, हमें देखना है द मोस्ट के आगे का जो हिस्सा है उसे हमें बॉक्स करना है, और उसके आगे का जो सेंटेंस है गर्ल इन द क्लास वहां पे लिखना है। तो मैंने क्या किया? नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज पावरफुल एज। फिर पहला जो सब्जेक्ट है वो क्या है? शी। अगर यहां पे किसी का नाम होता है तो आप नाम लिख दीजिए। तो ये सेंटेंस हमने सॉल्व किया द मोस्ट का। अभी एक सेंटेंस देखते हैं द ईएसटी का, ठीक है? देखिए यहां पे मैं सेंटेंस लिखता हूं, नोवल इज ग्रेटेस्ट, नोवल इज द ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड। मान लेते हैं वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, सभी जो ओके लिटरेचर की जो भी टाइप से वो सभी ग्रेटेस्ट है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहां पे सेंटेंस लिख दिया है। क्या लिखा है? देखिए नोवल इज द ग्रेटेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड। तो इस सेंटेंस में क्या आया दोस्तों? द ग्रेटेस्ट, द ईएसटी आया। देखिए हाईलाइट कर दिया है आपको समझने के लिए, उस सेंटेंस में द मोस्ट क्या आगे का होता है, ओके? द मोस्ट पावरफुल था, वहां पे जो भी एडजेक्टिव होगा आप उसको समझ लीजिए, आपको एज एज में लिखना है। यहां पे क्या है? द ग्रेटेस्ट का जो ईएसटी है, द ग्रेटेस्ट, तो उसका बीच का जो हिस्सा है ये जो है ये एडजेक्टिव, ये हमें क्या करना है? एज एज में लिख देना है। तो यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ईएसटी आया है तो हम शुरुआत करेंगे नो अदर से, ठीक है? तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमने मोस्ट पावरफुल के आगे का हिस्सा लिखा था, तो वैसे द ईएसटी के आगे का हिस्सा क्या है? लिटरेचर इन द वर्ल्ड, नो अदर लिटरेचर इन द वर्ल्ड, नो अदर लिटरेचर इन द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों? नो अदर लिटरेचर इन द वर्ल्ड। उसके बाद में क्या करूंगा मैं? एज एज का हिस्सा मुझे लिखना है। तो ये तो खत्म हो गया, तो अभी क्या करूंगा? देखिए नो अदर लिटरेचर इन द वर्ल्ड मुझे लिखना है एज एज का हिस्सा, लेकिन उसके पहले मुझे लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हेल्पिंग वर्ब है? इज। तो यहां पर आएगा इज, no other literature in the world is as great as novel। तो ये हमने दोनों टाइप सीख लिए। पॉजिटिव में चेंजेस करते वक्त हमें क्या ध्यान में देना चाहिए अगर सुपरलेटिव में सेंटेंस आता है तो सुपरलेटिव में है तो पॉजिटिव में कर दिया, ये तो हुआ एक चेंज। अभी हम कंपेरेटिव डिग्री सीखने वाले कि वो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। कंपेरेटिव करते वक्त भी आपको दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अभी एक्चुअली वो मुझे
जब मैंने यहाँ पे अलग से लिखा था डिस्टिंग्विश करके तभी मुझे लिखना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव में कौन से दो चीजें आती है, द ईएसटी या फिर द मोस्ट, और वन ऑफ द ईएसटी और वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द ईएसटी, ठीक है। तो अभी देखिए इस सेंटेंस में अगर सुपर ड्यू में अगर सेंटेंस आता है तो कंपैरेटिव डिग्री करना है तो क्या करेंगे, देखिए कंपैरेटिव में हमें ज्यादा ध्यान देना है कि ध्यान के बाद क्या चीज आएगी, किसके बाद, ध्यान के बाद। अगर मैं इस हिस्से का बात, अगर इस हिस्से की बात करता हूं, इफ आई एम टॉक अबाउट द ईएसटी और द मोस्ट, देन व्हाट शैल आई डू, आई हैव टू राइट ध्यान, मुझे ध्यान लिखना है और ध्यान के बाद मुझे लिखना है एनी अदर, एनी अदर, ओके, एनी अदर। और अगर सेंटेंस में वन ऑफ द ईएसटी वन ऑफ द मोस्ट आता है तो मुझे ध्यान के बाद लिखना है मोस्ट अदर या फिर मेनी अदर, मोस्ट अदर या फिर मेनी अदर, यू कैन राइट एनी वन ऑफ दिस, आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। तो ये बात हुई कंपेयर डिग्री की, आइडेंटिफाई कैसे करना है, सेंटेंस को लिखना कैसा है, ठीक है। एक सेंटेंस हम लिखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला हिस्सा जो है कंपैरेटिव का, कंपैरेटिव के लिए हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा, देखिए जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल इन फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट। अब ये एक सेंटेंस है, जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, और आपको देख क्वेश्चन पूछा है चेंज द डिग्री, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, तो यहां पे क्या है, द ईएसटी। अभी देखिए आप, जैसे मैंने कहा कि सुपर डी में अगर सेंटेंस आता है देन यू हैव टू कन्वर्ट इन बोथ द थिंग पॉजिटिव एज वेल एज कंपेरेटिव, तो पॉजिटिव में चेंजेस होने के बाद आपको किस में लिखना है, कंपेरेटिव में, ध्यान देना, अदरवाइज आप कंपेरेटिव में कर बैठोगे। लेकिन हाँ, अगर स्पेसिफिकली आपको पूछा कंपेरेटिव में करना है तो कंपेरेटिव में कर दे, अदरवाइज यू कैन डू चेंजेस इन बोथ द थिंग्स, ओके। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कंपेरेटिव में करना है, तो जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंपेरेटिव का पूरा उल्टा है, पॉजिटिव हम क्या करते हैं पीछे से आगे आते हैं, तो कंपेरेटिव में हमें क्या करना है, आगे से पीछे जाना है। तो यहां पर मैं जिराफ इज, ये सेंटेंस ऐसे के ऐसे लिख दिया, जिराफ इज, उसके बाद में द ईएसटी का जो बीच का हिस्सा है, देखिए टॉल इज, उससे मुझे लिखना है जिराफ इज टॉल और उसको ईआर जोड़ना है, तो हो गया वो टॉलर, ओके, जिराफ इज टॉलर देन। तो जैसे मैंने आपको अभी कुछ मिनट पहले कहा था कि आपको क्या करना है, कि जो भी आप देन हो गए उसके बाद आपको चेंजेस क्या करना है, अगर देखिए सेंटेंस में द ईएसटी या फिर द मोस्ट आता है तो आपको ध्यान के बाद क्या लिखना है, एनी अदर, तो यहां पे क्या आएगा, ध्यान के बाद एनी अदर, एनी अदर, तो यहां पे हुआ जिराफ इज द टॉलर, जिराफ इज टॉलर देन एनी अदर। फिर आगे का हिस्सा जो है सेंटेंस का वैसे के वैसे लिखना है, एनिमल इन द फॉरेस्ट। तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा कंपेयर डिग्री का एक पार्ट, अभी दूसरा पार्ट हम देखने वाले हैं जिसमें कंपेरेटिव, अगर सुपरलेटिव में वन ऑफ द ईएसटी या फिर वन ऑफ द मोस्ट आता है तो कंपेरेटिव में हम चेंजेस क्या करेंगे, क्या करते हैं, थोड़ा सा एक सेंटेंस को, इजी सेंटेंस को लेते हैं या फिर हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा चेंज करता हूं मैं, जिराफ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट एनिमल जिराफ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, जिराफ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट। अभी यहां पे देखिए दोस्तों, हमने यहां पे क्या किया, जिराफ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, इसमें क्या करना है मुझे, कंपेयर डिग्री में चेंजेस करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं जिराफ इज, ये सेंटेंस यहां का हिस्सा जो है लिख देता हूं, जिराफ इज, उसके बाद में जिसमें क्या किया था, टॉल लिखा था, जिराफ इज टॉल, उसको ईआर, तो हो गया टॉलर, टॉलर देन, ओके।
अभी मुझे क्या करना है, वन ऑफ द ईएसटी का हिस्सा है, तो मैं क्या कहूंगा, जिराफ इज टॉलर देन, उसमें क्या लिखा था मैंने, एनी अदर, इसमें लिखूंगा मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर, तो जिराफ इज टॉलर देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट, तो बस उतना ही डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आपको सुपरलेटिव डिग्री अच्छे तरह से आ चुका है, आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख के भेज देना अगर आपको इसमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद आया, और आगे आने वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।